Hi guys, so I am Komal and today I am going to share some of new lipsticks which are my favorite for Indian skin tone. So let's get started. So first one is from Nykaa. So this is my go-to lipstick and I am in love with this lipstick. बिकॉज मैं आई एम अ कॉलेज स्टूडेंट और मैं रोज ये लिपस्टिक लगा के जाती हूँ. लाइक दिस सूट्स विद एवरी ड्रेस, एवरी थिंग. लाइक एवरी थिंग आई कैन अप्लाई दिस लिपस्टिक विद एवरी थिंग. दिस इज़ माई फेवरेट एंड दिस इज़ माई गो टू लिपस्टिक्स. लाइक जब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं कुछ नहीं करती, मैं ये उठाती हूँ और आई जस्ट अप्लाई दिस एंड वाला. सो दैट्स वाई दिस इज़ माई फेवरेट न्यू लिपस्टिक. एंड इसको लगाने के बाद ऐसा भी नहीं लगता कि आपने कुछ बहुत हैवी मेकअप कर रखा है या कुछ सिंपल क्यूट. आई थिंक दिस लुक्स क्यूट और एक्चुअली मेरे पे तो अच्छी लगती है. इवन हर स्किन टोन, हर इंडियन स्किन टोन पे ये अच्छी लगेगी. आई एम डेफिनेटली श्योर अबाउट दैट. सो दिस इज नायका. दिस फ्रॉम नायका एंड सो दिस इज चाय 18. आप ये नायका से ले सकते हो. हाँ, नायका पे ही मिलेगी ये. बाकी इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी आपके लिए. सो लेट मी शो यू. फर्स्ट आई लव इट्स फ्रेगरेंस. इट्स जस्ट लाइक अ चॉकलेट. और मेरी बहुत गंदी आदत है, मैं जब भी कोई लिपस्टिक लेती हूँ तो मैं उससे सबसे पहले उसे स्मेल करती हूँ. मुझे फ्रेगरेंस का बहुत शौक. लेट मी शो यू. दिस इज़ वेरी प्रीटी. आई एम इन लव विद दिस. एक्चुअली मैं कभी भी कोई लिपस्टिक का शेड रिप्रचेज नहीं करती. कभी भी मैं कोई लिपस्टिक दोबारा नहीं खरीदती क्योंकि मुझे नई नई लिपस्टिक्स ट्राई करने का शौक है. और मतलब मेरे को पसंद नहीं है कि मैं एक शेड वापस बार बार खरीदूँ. लेकिन ये इकलौती ऐसी लिपस्टिक है जो आई थिंक मैंने दोबारा खरीदी होगी. और इसके लिए तो आई एम अ बिग फैन ऑफ दिस शेड. मैंने फर्स्ट ये इकलौती ही ऐसी लिपस्टिक है जो मैंने दोबारा खरीदी है और मैं इसको रेगुलर यूज़ करती हूँ. कॉलेज जा रही हूँ, कहीं भी जा रही हूँ, मैं इसको रेगुलर यूज़ करती हूँ. चलो मैं आपको इसे अपने लिप्स पे लगा के दिखाती हूँ. तो ये ऐसी लगती है लगाने के बाद. और एज़ यू कैन सी बहुत प्यारा शेड है और आई थिंक हर एक लड़की को ये ट्राई करना चाहिए. दिस इज़ मस्ट हैव. ये हर एक लड़की के पास होना चाहिए. दिस इज़ माई फेवरेट वन. अगले लिपस्टिक की तरफ बढ़ते हैं. तो दिस इज़ फ्रॉम कलर बार एंड दिस इज़ 011 वेल टू डू. 011 वेल टू डू. सो ये थोड़ा लाइट शेड है बट हाँ, अगर आप बहुत हैवी आई मेकअप के साथ जा रहे हो तो ये बहुत अच्छी लगती है. और इफ़ यू हैव एनी डार्कर शेड ऑफ लिपस्टिक, अगर तुम्हारे पास कोई बहुत ज़्यादा डार्क शेड है लिपस्टिक का और आप इसको मिक्स करते हो तो ये बहुत अच्छी लगेगी. बाकी ऐसे नॉर्मली अप्लाई करने में ये थोड़ी लाइट है बट आई थिंक ये सूट करती है मेरा. आप इसको डार्क शेड के साथ मिक्स करके लगाते हो तो दिस इज़ लाइक अल्टीमेट. सो दिस इज़ ऑल्सो माई फेवरेट वन. लेट मी शो यू this on my lips. So this is little lighter but I love its fragrance and this formula is very nice. ये lips पर लगाने के बाद बहुत ज़्यादा dry नहीं होती है, बहुत अच्छे से apply होती है, बहुत smooth है लगाने में और बहुत अच्छी है. So just see this. And this looks like, you can see this on my lips. बहुत अच्छा shade है, बहुत ज़्यादा अच्छा shade. Next one is from Huda Beauty. I just love Huda Beauty and everybody knows their formulas are like unbelievable.
हुडा ब्यूटी का फॉर्मूला इतना अच्छा होता है, इतना स्मूद, इतनी अच्छी फ्रेग्रेंस आती है इनकी लिपस्टिक्स में. कभी ऐसा लगता ही नहीं है कि इनकी लिपस्टिक्स में कोई केमिकल है या कुछ है. आई जस्ट लव दिस. एंड इंडियन स्किन टोन के लिए तो दिस इज़ लाइक हेवन. आई थिंक बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है ये लिपस्टिक. सो लेट मी शो यू दिस ऑन माई लिप्स. सो बिल्कुल भी हैवी वेट नहीं है, लगाने के बाद इतनी लाइट वेट लगती है. एंड दिस इज़ ट्रेंड सेटर करके है. एंड दिस सीरीज ट्रेंड सेटर करके है और आई थिंक दिस इज़ माई फेवरेट वन. एक्चुअली ऑल दी न्यू शेड्स आर माई फेवरेट वन, बट ये इतनी लाइट है ना लगाने के बाद लगता ही नहीं है कि आपने लिप्स पे कुछ लगा रखा है. और इतना अच्छा शेड, वाओ यार. और इंडियन स्किन टोन के लिए तो बेस्ट है. पूरा दिन, एक तो ये लास्ट लॉन्ग है, पूरा दिन चल जाती है. कहीं भी जाओ, कुछ भी खाओ, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, पूरा दिन चलती है. और इतनी बेस्ट लिपस्टिक आई डोंट थिंक सो मैंने अभी तक देखी होगी. लाइट वेट है और कलर बहुत अच्छा है फॉर इंडियन स्किन टोन. नेक्स्ट लिपस्टिक इज़ फ्रॉम कलर बार. सो ये थोड़ा सा ख़राब हो गया. एक्चुअली ये हमेशा मेरे बैग में रहता है मैं कॉलेज जाती हूँ तो, क्योंकि बहुत लाइट वेट है, बहुत सिंपल है, लगाने के बाद लगता भी नहीं आपने कुछ लगा रखा. बिल्कुल न्यूट शेड है और बहुत प्यारा शेड है. एंड यू नो आई एम इन लव विद द फ्रेग्रेंस. एंड दिस इज़ फॉर कीप्स 011. फॉर कीप्स 011 बहुत प्यारा शेड है, बहुत ज़्यादा. ये हमेशा मेरे बैग में रहता है. जब भी मेरे को जल्दी से टचअप करना होता है या कुछ भी करना होता है कॉलेज में या कहीं जा रहे हैं दोस्तों के साथ, जल्दी से गई, लगाई और आ गई. बहुत लाइट शेड है, दिखता भी नहीं है. बहुत नेचुरल लगते हैं लिप्स और बहुत अच्छा है. और आई डोंट थिंक सो दिस इज़ एक्सपेंसिव वन. बहुत, आई थिंक बहुत सस्ता मिल जाता है. आई डोंट नो द प्राइस, बट हाँ मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी. एक्चुअली सारी लिपस्टिक्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. लेट मी शो यू दिस ऑन माई लिप्स. दिस इज़ वेरी लाइट वेट. एंड अगर आपको लिप बाम भी, अगर आपके पास लिप बाम भी नहीं है और आप ये लगा लेते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल ये मैट नहीं है. और आपके पास लिप बाम नहीं है और आप ये भी लगा लेते हो ना, तो आपके लिप्स इतने स्मूद हो जाएंगे, आपको लिप बाम की ज़रूरत ही नहीं है इसके नीचे. एक्चुअली काफ़ी सारी आजकल मैट 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 लिपस्टिक्स चल रही है, तो सब लोगों को ऑब्वियसली मैट के नीचे लिप बाम की ज़रूरत होती है, लिप बाम लगाने की ज़रूरत होती है. बट इसके नीचे आपको लिप बाम लगाने की भी ज़रूरत नहीं होती. इसलिए मैं इसे हमेशा बैग में रखती हूँ ताकि मेरे लिप्स इससे अच्छे हाइड्रेटेड भी रहें और लिप बाम लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती. और जल्दी से लगाओ और निकलो शाइनी एंड स्मूथ इज दिस. बहुत लाइट वेट फॉर्मूला है, बहुत अच्छी है. सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट लिपस्टिक. दिस इज लास्ट बट नॉट द लीस्ट. दिस इज़ माई लास्ट लिपस्टिक. एक्चुअली दिस इज़ फ्रॉम ड्रग स्टोर. एक्चुअली मैं हमारे यहाँ मार्केट में गई थी और मेरे को ऐसे ही लिपस्टिक लेने का मन था. एक्चुअली लिपस्टिक लेने का मन था और एक्चुअली मेरे को एक स्पेसिफिक शेड चाहिए था, थोड़ा ब्राउनिश, और मुझे वो कहीं पर नहीं मिल रहा था. और मैं गई, मैंने स्टोर में चेक करा, मैंने सोचा कि चलो यहाँ पे देख लेते हैं अगर बाय चांस मिल जाती है. तो दिस इज़ ड्रग स्टोर लिपस्टिक एंड दिस इज़ फैशन कलर लिप सुपर स्टे. और इसका शेड है चेस्टनट 47. आप लोगों को मिल जाएगी अपने पास के ड्रग स्टोर से. आई थिंक ये सबके पास होती है. मैंने इसे हर ड्रग स्टोर में देखी. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बहुत मैट लिपस्टिक है. इसके नीचे आपको लिप बाम लगाने की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन आई एम इन लव विद दिस कलर बिकॉज ये कलर मेरे को थोड़ा सा डिफरेंट लगता है कलर. अगर आप इसको एक दो बारी, लाइक अगर इसको आप अच्छे से लगाते हो, न्यूड लिपस्टिक हम लगाते हैं और हटा देते हैं, और इसको आप अच्छे से अप्लाई करते हो, दो कोट अप्लाई करते हो, तो ये इतना अच्छा लगता है लिप्स पे. थोड़ी सी डार्क लगती है, बट हाँ
अगर मैं कहीं पार्टी में जा रही हूँ या कहीं, तो अब मुझे थोड़ा सा, मैंने बिल्कुल भी मेकअप नहीं करा है, कुछ भी नहीं करा है, और मुझे थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगना है, तो मैं ये थोड़ा सा डार्क शेड लगा लेती हूँ लिपस्टिक का. एक्चुअली डार्क शेड से क्या होता है ना, लिप्स पे ग्लो आता है और आपका फेस और शाइन लगता है, और शाइनी और अच्छा सा ऐसा लगता है कि हाँ कुछ करा है. लेकिन एक्चुअली मैं जब भी ये शेड लगाती हूँ ना, मोस्ट ऑफ द टाइम मैं बिल्कुल मेकअप नहीं करती, और सिंपल सा एक ये शेड लगाओ और निकल जाओ. और दिस इज मतलब बहुत बहुत प्यारा शेड है, आपको अपने पास के कहीं भी ड्रग स्टोर से मिल जाएगी. तो मैं आपको ये अपने लिप्स पे लगा के दिखाती हूँ. ये शेड एक तो मैट है, तो ये पूरे दिन लास्ट लॉन्ग है, पूरे दिन चलता है, और बहुत अच्छा है. फ्रेग्रेंस भी इसकी अच्छी है, ऐसा नहीं है ड्रग स्टोर लिपस्टिक है तो गंदी सी केमिकली सी स्मेल आ रही होगी, नहीं. फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी है, बहुत कम प्राइस में मिल जाती है, बट अलग अलग, ऑब्वियसली ड्रग स्टोर लिपस्टिक है तो अलग अलग प्राइस में. एक्चुअली मैंने मेरी एक फ्रेंड है, उसके पास भी मैंने लिपस्टिक देखी थी, तो मैंने पूछा कि ये तूने कितने के ली, तो उसने मुझे कम बताया. तो ड्रग स्टोर वाले कोई ज़्यादा बेचते हैं, कोई कम में बेचते हैं, बट हाँ आई थिंक मुझे ये 200 या 250 की पड़ी थी. अगर मुझे कहीं मिल जाता है तो मैं इसका लिंक दे दूँगी, वरना आप अपने पास के ड्रग स्टोर पर जाओगे तो ऑब्वियसली आपको मिल जाएगी, आपके पास के किसी भी कॉस्मेटिक शॉप पर या कहीं भी, आई एम डैम श्योर आपको ये मिल जाएगी. एंड सो डू ट्राई इट, और बहुत प्यारा शेड है. आई होप आपको मैंने जो शेड्स बताए वो आप पक्का ट्राई करोगे, और आई एम डैम श्योर ये इंडियन स्किन टोन पे बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं. अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो डू सब्सक्राइब, शेयर, लाइक एंड कमेंट. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक यू, बाय.